अध्याय चौदह स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनैतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो हमने लोकतांत्रिक मूल्यों को अपना आधार बनाया सन उन्नीस में आज़ादी मिली तो हमने इन्हीं मूल्यों के अंतर्गत देश का ढांचा तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया इस प्रक्रिया को संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं इस प्रकार संविधान देश की शासन व्यवस्था के आधारभूत नियमों और सिद्धांतों का एक संग्रह होता है हर देश अपनी आवश्यकताओं व परिस्थितियों के अनुसार अपने संविधान का निर्माण करता है संविधान में एक साथ कई लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया गया था इन लक्ष्यों में लोकतंत्र को क्रियाशील व जीवंत बनाना देश का राजनैतिक रूप में एकीकरण करना तथा बड़े पैमाने पर ऐसे ढांचे को निर्मित व मजबूत करना था जिनके द्वारा आवश्यक सामाजिक और आर्थिक बदलाव सुनिश्चित किया जा सके इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समुचित ढांचों को बहुत कम समय में आकार देकर उन्हें क्रियाशील बनाना नौ स्वतंत्र देश के लिए चुनौती भरा काम था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के लोगों को यह साबित करना था कि वे अपनी एकता और अखंडता को बनाकर रखते हुए न केवल लोकतांत्रिक ढंग से काम कर सकते हैं अपितु देश में व्यापक आर्थिक और सामाजिक बदलाव भी ला सकते हैं अब हम भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने के लिए निम्नांकित घटनाओं का विश्लेषण करेंगे फोर्टीन पॉइंट वन पहला आम चुनाव उन्नीस भारत के नए संविधान के अनुसार पहले आम चुनाव आयोजित करना भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता और सफलता के लिए महत्वपूर्ण चुनौती था हालांकि हमारा संविधान 1950 में ही लागू हो गया था लेकिन पहला आम चुनाव 1952 में संपन्न हुआ लगभग 18 करोड़ लोगों को मतदान करना था इसके लिए बहुत सारी तैयारियों की जरूरत थी भारत में पहली बार हर वयस्क महिला और पुरुष को चुनाव में मतदान करने का अधिकार मिला था सबसे पहले सभी मतदाताओं की सूची तैयार करना था भारत के भौगोलिक विस्तार और यातायात की समस्याओं को देखते हुए यह आसान काम नहीं था मतदाताओं को सूचना की प्रक्रिया समझाना और उन्हें मतदान के लिए तैयार करना था और सुदूर अंचलों में भी मतदान केंद्र स्थापित करके चुनाव अधिकारियों को तैनात करना था देश के पचासी प्रतिशत लोग निरक्षर थे वे कैसे उम्मीदवारों के नामों को पहचान कर सही तरीके से मतदान कर सकते थे चुनाव आयोग ने ऐसे में एक नवाचार किया मतपत्र में उम्मीदवारों को अलग अलग चिन्हों के द्वारा दिखाया गया प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग बक्सा रखा गया और मतदाता को अपनी पसंद के उम्मीदवार का वोट उस उम्मीदवार के लिए निर्धारित बक्से में डालना था पहला आम चुनाव खास बातें पहली बार व्यस्क मताधिकार प्रणाली का इस्तेमाल करके देश के सभी नागरिकों को वोट देने का मौका मिला सरकार ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक मतदान केंद्रों की व्यवस्था की सारे राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी लोकसभा के साथ ही संपन्न हुए इस समय कुल 17 करोड़ मतदाता पंजीकृत किए गए जिनमें पचासी प्रतिशत निरक्षर थे लगभग दो लाख चौबीस हजार मतदान केंद्र बनाए गए थे करीब प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर एक मतदान केंद्र बनाया गया था लगभग 10 लाख अधिकारियों को चुनाव की प्रक्रिया में तैनात किया गया था चुनावों की व्यवस्थाएं जिन इलाकों में पर्दा प्रथा पर सख्ती से पालन होता था उन इलाकों में महिलाओं के लिए अलग से मतदान केंद्र बनाए गए थे इन केंद्रों पर केवल महिला कर्मचारी तैनात थे अजमेर के एक मतदान केंद्र पर पूरी तरह से ढके हुए रथ में बैठकर एक महिला आई उसका सारा शरीर मखमली कपड़े से ढका हुआ था केवल एक उंगली ही दिखाई दे रही थी जो कि मतदान करने से पहले स्याही का निशान लगाने के लिए अनिवार्य थी कुछ गांवों में एक इकाई के रूप में मतदान किया असम के एक आदिवासी गांव से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि उस गांव के लोग एक दिन की लंबी यात्रा करके अपने मतदान केंद्र तक पहुँचे उन्होंने रात अलाव के सामने नाचते गाते हुए बिताई सूरज निकलते ही वे एक जुलूस की शक्ल में कतारबद्ध होकर मतदान केंद्र की तरफ बढ़े चुनाव में किसका समर्थन किया जाए और किसका नहीं एक गांव के लोगों ने इस मसले का अलग हल निकाला उन्होंने दोनों उम्मीदवारों की तरफ से एक एक पहलवान को चुनकर उनके बीच कुश्ती का आयोजन किया वे इस बात पर सहमत हो गए कि इनमें से जिस उम्मीदवार का पहलवान जीतेगा गांव के सारे लोग उसी को वोट देंगे कुल मिलाकर पहला आम चुनाव अप्रत्याशित रूप से सफल रहा मतदाता सूची में से 46 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया महिला मतदाताओं में से लगभग 40 प्रतिशत ने वोट दिया पहले चुनाव में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाले कांग्रेस को भारी बहुमत मिला पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकारें बनी लेकिन गैर कांग्रेस दलों ने भी काफी जन समर्थन पाया इनमें कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी जनसंघ व क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थी इस प्रकार स्वतंत्र भारत ने बहुदलीय लोकतंत्र की ओर पहला और प्रभावी कदम रखा